बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है, जब मर्द का पानी औरत की शर्मगाह के अंदर जाता है तो औरत कैसा महसूस करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। चलते हैं टॉपिक की जानिब। जब मर्द हज़रात अपनी बीवियों से हमबिस्तरी करते हैं तो आपके अंदर से खारिज होने वाला मादा औरत के अंदर जाता है तो वह इसको गरमाइश फ्राहम करता है और फिर औरत को गरमाइश की शिद्दत का एहसास होता है। इससे औरत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसका इजहार वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ निकाल कर करती है जिसकी वजह से वो अपने शौहर को महसूस करवा देती है कि वो लज्जत हासिल कर रही है। औरत की टाइमिंग मर्द के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए जब औरत के शर्मगाह के अंदर मर्द का पानी जाता है तो औरत इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। औरत को इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्माइश मिल रही होती है, इसीलिए जिन मर्दों की टाइमिंग कम है वो हम बिस्तरी के दौरान जब औरत की शर्मगाह में अपना पानी छोड़ें तो इसके साथ दोबारा बहुत जल्दी हम बिस्तरी करने की कोशिश करें। इस तरह करने से औरत बहुत जल्द फारिग हो जाएगी। ये तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, इन मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनकी टाइमिंग बहुत कम है और वो अपनी बीवी को लज्जत और लुत्फ फ्राहम नहीं कर सकते। अगर आप ये तरीक़ाकार अपनाएंगे तो आपकी बीवी बहुत जल्द फारिग हो जाएगी और आपसे बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन रहेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके तमाम दोस्त अहबाब भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।